हाय एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्रेसेस में, कुर्ता में आप कैसे मैक्सी ड्रेसेस में पॉकेट्स लगाएं बहुत ही आसानी से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैक्सी ड्रेस है, इसका लगभग पूरा मैंने तैयार कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, प्लीटेड मैक्सी ड्रेस है और इसमें स्लिप्स लगा लिया है, सब कुछ हो गया। बस फिटिंग का पार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको बस पॉकेट कैसे लगाएं ड्रेसेस में वो बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने सारा काम ऑलरेडी कर लिया है, बस पॉकेट वाला पार्ट रखा है, जिससे मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूं कि आप पॉकेट अपनी ड्रेस में या कुर्तों में कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, सारा पूरा मैक्सी ड्रेस मेरा तैयार है, स्लिप्स लगी है, सब कुछ पूरा टोटल तैयार है। बस फिटिंग देने की बारी है, और जब फिटिंग देते हैं उसी समय हम पॉकेट को ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम नापेंगे कि हम कितने इंच पे पॉकेट लगाएंगे, ऊपर से नीचे डाउन आकर के कितने इंच पे लगाएंगे। तो जैसा कि आप मैं देख सकते हैं, ये मैक्सी ड्रेस है, तो मैक्सी ड्रेस में कोई चिंता नहीं, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ, वहाँ से पॉकेट की स्टार्टिंग पॉइंट होगी। उसके बाद 6 इंच हम मार्क करेंगे, क्योंकि 6 इंच, 5.5-6, मतलब 5.5 एंड 6 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है पॉकेट की ओपनिंग का। तो ये जो 6 इंच आप देख रहे हो मैंने मार्क किया है, ये ओपनिंग पार्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग 5.5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, इतना स्टैंडर्ड है, 6 आई थिंक अच्छा साइज है। तो मैं आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेके, नॉर्मल पेपर है मेरे पास, अगर आपके पास थिक कोई पेपर है तो लीजिए, उसको पैटर्न की तरह बना के रख लोगे तो हमेशा आपको काम आएगा। जब भी आपको पॉकेट बनाना होगा उस पैटर्न को यूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने एक सिंपल सा पेपर लिया है, थोड़ा सा जगह इस साइड में छोड़ के, और 6 इंच देख लीजिए, 6 इंच दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ने के बाद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे, इस तरीके से 6 इंच पे हमने मार्किंग लगा लिया, क्योंकि 6 इंच हमने फैब्रिक पे मार्क किया, उतना ओपनिंग के लिए एक्सैक्ट चीज़ें हम मार्क करेंगे। 6 इंच आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पाम है, जो हाथ है, उसको इस तरीके से रखोगे, थोड़ा सा एंगुलर करके या स्ट्रेट करके, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप करोगे, और एक लाइनिंग कर लोगे आप रफ, जितना डीप जितना बड़ा आप चाहते हो उतना बड़ा आप अपना ये स्केच बना सकते हो। मुझे डीप पसंद है, कि आप कुछ रख भी सको तो थोड़ा सा बड़ा आप एक्स्ट्रा ही रखिएगा, क्योंकि सुइंग में भी फैब्रिक जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा है। और पॉकेट बनाने का फ़ायदा तभी है जब हम अंदर कुछ रख सकें, अगर बहुत छोटी पॉकेट होगी तो बस देखने के लिए होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इससे बड़ा भी चाहें तो इससे बड़ा भी पॉकेट बना सकते हैं, आई थिंक ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इतना अच्छा रहेगा। तो इसको हम पेपर से कट कर लेंगे। अब ये आपका एक पैटर्न की तरह हो गया, जब भी आपको बनाना हो आप इसको फैब्रिक पे रखिए, कट करिए, आपका पॉकेट इजली तैयार हो जाएगा। तो अब ये हम क्या करेंगे, फैब्रिक पे रखेंगे और इस तरीके के 4 पीसेस कट करेंगे, 2 एक साइड के लिए, 2 एक साइड के लिए, मतलब 4 हमें चाहिए। तो एग्जैक्ट सेम सेम साइज़ के हम फैब्रिक पे रख के 4 पल्ले इस तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों साइड में पॉकेट्स लगा रहे हैं। अगर आप एक ही साइड में लगाएंगे तो 2 ही चाहिए, अगर दोनों साइड लगाएंगे तो इस तरीके का 4 चाहिए, मतलब 4। तो इस तरीके से इस पैटर्न को यूज़ करके हम 4 पीसेस कट कर लेंगे। और ये पैटर्न जब आप यूज़ कर लेंगे तो आप अपने पास रख लीजिएगा, आगे भी आपको काम देगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ आप पॉकेट कैसे बनाएं, बट बहुत ही आसानी से है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सेम साइज़ के हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं पॉकेट के लिए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, 4 पीसेस हमारे कट हो गए। अब हम 2 पीसेस लेंगे, ये देख सकते हैं, एक साइड का मैं बताने वाली हूँ, आप देख लीजिएगा पूरा एग्जैक्ट दोनों एक सेम साइज़ का। अगर छोटा बड़ा होगा तो आप थोड़ा बहुत ट्रिम कर लीजिएगा। अब हम जहाँ पॉकेट लगाना एक साइड लेंगे, और जो हमने 6 इंच की ओपनिंग के लिए मार्क किया था वहाँ पर ले जाएंगे, सीधा साइड हमने मैक्सी का रखा है, और ये पॉकेट लेंगे और इसका भी सीधा साइड, दोनों का सीधा साइड एक तरफ फेस करेंगे और इस तरीके से पिनअप कर लेंगे।
आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सी का सीधा साइड है, उसके ऊपर हम जो पॉकेट लगाना वो भी सीधे रख के इस तरीके से पिनअप कर लेंगे, और इस पे बाद में हम सिलाई चलाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे करना है। अब इसी तरीके से दूसरे पल्ले का जो सीधा साइड है उस पे भी इस तरीके से दूसरा वाला साइड लगा लेंगे। तो एक साइड में दो और दूसरे साइड में दो यूज़ करेंगे। तो देखिए इधर भी 6 इंच मार्क करा हुआ है और यहाँ भी इस तरीके से दोनों सीधा साइड फेसिंग करते हुए हम पिनअप कर लेंगे। आप कोई भी चीज़ पिन करके बनाओगे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, तो इस तरीके से पिन कर लो आप। अब हमने पिन कर लिया, ये एक साइड का है। उसके बाद इस पे हम जहाँ जहाँ हमने पिन किया है पक्की सिलाई चलाएंगे, जिससे ये पॉकेट हमारे मेन ड्रेस के साथ अटैच हो जाए। अब इसी तरीके से दूसरे वाले साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे। जब आप सिलाई चला लेंगे तो इसको इस तरीके से सीधे पलट देंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच चला देंगे। इससे टॉप स्टिच नहीं भी चलाएं पर आई थिंक इसको आप चला लेंगे तो एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है और पॉकेट का अपर वाला साइड अच्छे से बैठ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर जहाँ तक बस पॉकेट वाला फैब्रिक अटैच है वहीं एक टॉप स्टिच चला दीजिए, सिंपल सा। बस दोनों साइड में आप पलटिए और ऊपर से ये देखिए एक ऊपर से सीधी सिलाई चला दीजिए, सिंपल बस। जो मैक्सी वाला फैब्रिक है उस पे हमें सिलाई चलाना है। तो आप ये देख सकते हैं सीधा साइड हमने मैक्सी का रख दिया और दोनों तरफ दो दो जो पीसेस थे वो हमने अटैच कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, जब आप अटैच कर लोगे तो दिखेगा इस तरह, सीधे साइड में दोनों सीधा दिखेगा इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे इसको अटैच करना है, कैसे सिलना, उसके लिए ये मैक्सी ड्रेस हम पलट देंगे और पलटने के बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं जब हमने पलट दिया है तो दोनों पॉकेट्स इस तरीके से दिख रहे हैं। रॉन्ग साइड में रॉन्ग साइड रहेगा, जब सीधा मैक्सी करेंगे तो सीधा साइड पॉकेट वाला फैब्रिक रहेगा। अब हम फिटिंग का सिलाई चलाएंगे और उसमें पॉकेट को कैसे हम फिनिश करेंगे वो दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पिनअप कर लिया है, पूरी फिटिंग को मैंने पिनअप कर लिया जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो आप ये देख सकते हैं हम स्लिप से फिटिंग करते हुए जाएंगे, पॉकेट की फिटिंग करेंगे, फिर डाउन चले जाएंगे। सेम दूसरे साइड से भी है, आप एक तरफ से सिलाई करते हुए जाएंगे, पॉकेट पे सिलाई करेंगे, फिर फिटिंग करते हुए ऊपर चले जाएंगे। तो चलिए हम सिलाई करते हैं और आई होप आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम ऊपर से जहाँ स्लिप्स है वहाँ से जो फिटिंग का हमने मार्किंग किया है वहाँ से सिलाई चलाते हुए वेस्ट तक जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सी ड्रेस होता है उसमें वेस्ट तक फिटिंग होती है, उसके बाद पूरा खुला छोड़ देते हैं घेरा। तो हम वेस्ट तक जो फिटिंग का मार्क है वहाँ जाएंगे। तो ये मैक्सी ड्रेस में जो पॉकेट लगाना होता है वो डिफरेंट होता है। अगर कुर्ता आप सिंपल स्ट्रेट कट कुर्ता बना रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही लगेगा, पर उसमें थोड़ा ऊपर ही पॉकेट लगेगा क्योंकि 20-21 इंच के बाद आपका चाक शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 21 से 6 इंच 7 इंच ऊपर जाके आपको लगाना होगा। तो वो थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ हम जहाँ पॉकेट अटैच हुआ है वहाँ आ गए हैं। अब वहाँ से हम घुमा लेंगे अपनी सुई को और ये जो पॉकेट है उसको सिलते हुए, मतलब बंद करते हुए, सिलाई चलाते हुए राउंड सर्कुलर वे में हम आएंगे। तो इस तरीके से आप घुमाइए धीरे 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 करके, दूसरे एंड पे जाइए जहाँ से पॉकेट जुड़ा हुआ, तो ऐसे घुमाते हुए हम आ जाएंगे नीचे की तरफ। इससे आप देखेंगे पॉकेट भी सिल रहा है। अब नीचे उतरेंगे और देखिए यहाँ पे नीचे उतरेंगे और नीचे उतर जाएंगे एंड पॉइंट तक सिलते हुए इसी तरीके से। ऊपर से शुरू करना है, पूरा नीचे हमें चले जाना है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि स्ट्रेट कट कुर्ती में थोड़ा सा डिफरेंट होगा और मैक्सी में थोड़ा सा डिफरेंट, तरीका यही है बट उसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ 18 इंच पे लगाया है उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर जाके लगाना होगा।
तो अब दूसरे साइड से भी हम फिटिंग स्टार्ट कर लेंगे। मैंने मैक्सी में 18 इंच पे लगाया, आप चाहें तो 17 इंच पे भी लगा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा लो पॉकेट पसंद है तो मैंने 18 इंच पे लगाया है। तो इस तरीके से दूसरे साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे। और बस ऊपर फिटिंग करते हुए सिलाई आ जाएंगे, और आप देखेंगे जब इसको सीधा पलटेंगे तो आपके देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी पॉकेट अटैच हो चुकी है। बस उसको अच्छे से प्रेस से बिठा लीजिएगा और आपकी देख सकते हैं पॉकेट बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हो गई है और बहुत डीप भी है। आप देखिए हाथ डाल के तो काफ़ी डीप है, 6 इंच, और जितना मैंने बताया था आप मेजरमेंट लेंगे तो कच्चा डीप बनेगा जिसमें आप थोड़ा सामान भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आसानी से आपका ये ड्रेस में पॉकेट लग के तैयार हो गया है। आई होप आप ट्राई करोगे, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आप बनाओ तो आपको बहुत सुंदर बने। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।